हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज मैं आप लोगों को एक ग्रामीण त्यौहार के बारे में बताने और दिखाने वाला हूं, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में आंवला तरी त्यौहार बोलते हैं और संबलपुरी उड़िया में इसको बोला जाता है आंवला तल त्यौहार। हिंदी में अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे नहीं पता, मुझे भी पता चल जाएगा। तो चलो चलते हैं और आप लोगों को शुरू से लेकर आखिरी तक दिखाते हैं कि त्यौहार किस तरह से मनाया जाता है धूमधाम से और इस त्यौहार में क्या क्या मान्यताएँ हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर चंदा वसूली की जा रही है और साथ ही साथ दाल सब्जी जो कुछ भी घर से प्रसाद के लिए लाते हैं वो सब यहाँ पे जमा कर रहे हैं, इसको लेके प्रसाद बनाएंगे। तो दोस्तों, जो भंडारा के लिए इकट्ठा किया गया था प्रसाद बनाने के लिए, उसका यहाँ पे कटाई की जा रहा है। यहाँ पे साग सब्जी जितना भी है वो सब काट के फिर सब्जी बनाएंगे। और हम यहाँ पहुँच चुके हैं, ये सब डेक वगैरह जो भी है वो सब लाया गया है यहाँ पे ट्रैक्टर में, और यहाँ चूल्हा बनाने के लिए खुदाई की जा रही है। ये कुछ सामान हम लोग नीचे उतार चुके हैं और ये देख सकते हैं आप लोग, जो कुछ भी हम भंडारा बनाने के लिए यूज करेंगे वो सब ला चुके हैं। और ये चूल्हा उद्घाटन किया जा रहा है पूजा करके। अभी बहुत कुछ चीज बन चुका है, जैसे ये दाल बन चुका है और यहाँ पर चावल के लिए पानी बिठाया गया है, आग जल रहा है। यहाँ पे चावल के लिए पानी बिठाया गया है। और ये क्या है, ये है खीर। खीर यहाँ पे रखा गया है जो कि बन चुका है। और आगे इधर ये है सब्जी, यहाँ पे सब्जी आप लोग देख पा रहे होंगे बन चुका है। और ये सब्जी दोनों डेक में है, आगे जो डेक दिख रहा है उसमें भी सब्जी ही है। और यहाँ पर पूजा करने के लिए आ चुके हैं और कुछ कुछ तैयारी कर रहे हैं, रंगोली या फिर जो कुछ भी पूजा के लिए होता है वो सब कुछ तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे प्रसाद लाए हुए हैं। मेरे चाची और भतीजी के साथ मैं यहाँ आरती ले रहा हूँ। यहाँ पे सभी माताएं बहनें पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति है और मैंने तो अभी पहली बार जाना कि आंवला तरी जो त्योहार होता है उसमें श्री कृष्ण भगवान जी का पूजा किया जाता है। बाल गोपाल रूप में यहाँ पे मूर्ति रखा गया है। और यहाँ पे कथा सुन रहे हैं सब। सब पूजा कर चुके हैं और यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं आंवला वृक्ष का। पूजा संपन्न होने के पश्चात यहाँ पे प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। पूजा संपन्न हो चुका है इसलिए भंडारा की तैयारी हो रही है और यहाँ पे चावल दाल सब कुछ लेते हुए वितरण करने के लिए जा रहे हैं भंडारा। और बहुत लोग आ चुके हैं भंडारा प्रसाद खाने के लिए। ये भंडारा के लिए बैठे हैं और चावल दाल मिल चुका है। यहाँ पे देखिए हमारे गांव में कितनी लंबी कतार में बैठे हुए हैं और भंडारा का प्रसाद खाने के लिए आए हैं। सुबह
शुरू से लेकर आखिरी तक मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। और यहाँ पे बीच बीच में कार्यकर्ता सब वितरण कर रहे हैं भंडारा प्रसाद का। और कितनी लंबी कतार है आप लोग यहाँ से देख रहे हैं। इतनी लंबी कतार ही नहीं बल्कि इधर भी देख सकते हैं आप लोग, आगे भी बहुत ही लंबी कतार है जो कि खाने के लिए भंडारा बैठे हुए हैं। और ये है मेरे मितान, ये दूसरे वाले हैं जो कि सब्जी बांट रहे हैं। पूरा कतार के आखिरी तक आपको ले चलता हूं मैं। यहाँ पे चावल का वितरण कर रहे हैं और यहीं पे खत्म होता है लाइन। तो रिवर्स एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। हल्का सा यहाँ से नजारा आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही भव्य तरीके से हमारे यहाँ आंवला तरी प्रोग्राम का आयोजन होता है और पूजा कार्यक्रम होता है। मैं यहाँ पे चावल का वितरण कर रहा हूँ। सभी को भंडारा प्रसाद खिलाने के बाद हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं और शाम का समय हो चुका है, अंधेरा अंधेरा हो चुका है और कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, हमारे आंवला तरी त्योहार का पूजा और प्रोग्राम दोनों ही खत्म हो चुका है और हम भी खाना वाना खा के घर आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक आप लोगों को दिखाया आंवला तरी प्रोग्राम हमारे यहाँ किस तरह से होता है। सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे हमारा वीडियो का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।